प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कर्नल जाडेजा, क्या ट्रेनिंग कराई है यार, क्रिकेट खेलना है कि बॉल लड़ने जाना है? भगवान, दो दिन और ऐसी ट्रेनिंग कराई तो कहीं ब्लास्टर बबीता टीम प्लास्टर बबीता नहीं हो जाए। ये लीजिए तारक, ठंडा ठंडा फालूदा पीजिए और फ्रेश हो जाइए। ओह थैंक यू सो मच अंजलि, मुझे अभी इसकी बहुत जरूरत थी। ऑपोजिट टीम में होके भी तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो। ठीक है तारीफ बाद में कर लेना, जल्दी जल्दी पी लो वरना गर्म हो जाएगा। हाँ हाँ। एक मिनट, रोज करेले का जूस पिलाने वाली अंजलि ने आज मुझे फालूदा दिया है। अचानक ये हृदय परिवर्तन। सब समझता हूँ, मालूम है कि अच्छा अच्छा खाने की मुझे आदत है नहीं, तो एकदम से कुछ ऐसा खिलाओ कि पेट खराब हो जाए और मैं ढंग से खेल नहीं पाऊं और तुम लोग मैच जीत जाओ। सब समझ में आ रहा है मुझे। अरे बाप रे, आपको मेरा पूरा प्लान पता चल गया? भाई लेखक हूँ, सब साइकोलॉजी समझता हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। अरे मैं कहती हूँ पी लीजिए, विश्वास रखिए मुझ पर। बिल्कुल नहीं, मैं इन झांसों में आने वाला नहीं हूँ, सारी चाल समझता हूँ मैं। सच में नहीं पियेंगे? बिल्कुल नहीं पीऊंगा, मैं जानता हूँ तुम्हारी पॉलिसी, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड क्रिकेट, आई नो। आखिरी बार पूछ रही हूँ, पियोगे? बिल्कुल नहीं पीऊंगा, जो भी पीऊंगा मैच जीतने के बाद। अंजलि, यम्मी, बहुत टेस्टी है। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार। हाँ बोला, वाह अच्छा ना। थैंक यू माधवी। माधवी जब कल हमारी टीम जीतेगी ना? आहो कल हमारी टीम मैच जीतने वाली है। हाँ माधवी, उड़ना अच्छी बात है लेकिन उसके लिए पंख होना बहुत जरूरी है। मतलब कल हमारी टीम जीतेगी मैच, हमारी टीम ही जीतेगी। माधवी तुम शायद भूल रही हो, याद है माधवी पिछले साल दया बाबी ने एक ओवर में हैट्रिक ली थी, इस साल वो एक ओवर में दो हैट्रिक लेने वाली है, तो तुम्हारे टीम का नामो निशान मिट जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस? बिल्कुल, अरे इस साल हम लोग एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। कहते? अरे कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे माधवी, हम लोग मेहनती है मेहनती। डर गई? बार बार हाँ बोलो यार। ये क्या है? लीजिए मिस्टर मेहनती, और सोने से पहले सारी साड़ियों को प्रेस करके रखिए। माधवी, अरे बल्ले बल्ले और हवा में सेंचुरी बनाना बंद करनी बाबा, मुझे गपचुप सोने देनी प्लीज। ओए सोनिए, कल जब हमारी टीम तुम्हारी टीम को हराएगी ना, तो फिर आराम की नींद सोना, ठीक है ना? चलो बाल पाओ और ये अगली बाल।
से घुमा दी और एक और चौका 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 चौका। ये रोशन, ये हवे में तो बैठ कोई भी घुमा सकता है। अगर तुझमें हिम्मत है तो अपनी एक उंगली पे हवा में बैट को 5 मिनट तक उठा के दिखा सकता है। बोल बोल। हाँ, हिम्मत तो तेरे को पता मेरे में बहुत है। ये ले, तेरे को अगली चीज दिखा देता हूँ। ले वेट। सो गई? और सो जा सोनिए, क्योंकि आज राम की नींद सोएगी, लेकिन कल जब तुम्हारी टीम हारेगी ना, तो उसके बाद तुझको अच्छी नींद तो आने वाली है ही नहीं। सो जा, चल भाई। रामेश्वर की बोल से भूषण बोल रहा हूँ। अरे भूषण भाई, कैसे हो? अरे जीत गए ना, अपनी टीम को जीता देना। ऑल द बेस्ट। हेलो दया बेन, अमिता बोल रही हूँ। अरे अमिता जी, अपनी टीम की ऑलराउंडर हो तुम तो, याद है ना, कभी मत हारना। अपनी टीम की कपिला देवी हो, जीत के ही आना। हाँ हाँ याद है। हेलो दया बहन, आलिशा बोल रही हूँ। आलिशा जी, हमारे जीपीएल की चर्चा अहमदाबाद के बोर्ड में भी हो रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। खेलो दया बहन खेलो, साबरमती की इज्जत का सवाल है, सामने वाली टीम के हाथों कभी मत हारना। चिंता मत करो। लाना मुझे फोन दो। हेलो दया बहन, मैं मोनिका बोल रही हूँ। मोनिका बहन बोला बोला। गली गली में शोर है, दया की टीम में जोर है। वाह वाह। मैं मानव बोल रहा हूँ। मानव बेटा बोलो। आपसे जो टकरा आएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ बेटा, इरादा तो कुछ ऐसा ही है। हेलो दया बहन, सचिन बोल रहा हूँ। सचिन भाई बोलो बोलो। एक कचोरी दो समोसा, जीजा की टीम का क्या भरोसा? क्या कहूँ, मेरे लिए तो बहुत बड़े धर्म संकट खड़ा हो गया है। अब मेरी टीम में सुंदर वीरा और टप्पू तो है, लेकिन टप्पू के पापा सामने वाले की टीम में है। अब हम जीत जाएंगे उस बात को मुझे आनंद होगा, बहुत बहुत आनंद होगा। लेकिन टप्पू के पापा हार जाएगा उस बात का दुख होगा, बहुत बहुत ही दुख होगा। मुझे दो, एक दो तीन चार, दया की टीम का जय जयकार। अरे कोनी माए सवा से सूट खा दीजिए क्या, तुम्हारी टीम ले रहा है। अरे तुम्हें तो वटो कटको जो कटको। थैंक यू, लगता है आप सब लोगों ने मिल के वहाँ डेरा छुपाया है। दया अहमदाबाद के पोल के लोगों की बात ही निराली है। अरे बच्चों आओ आओ, हो गई मैच की सारी तैयारियां। पर दादाजी मुझे एक बात का डर लग रहा है। क्या? वो हम सबके मम्मी पापा अलग अलग टीम में, मुझे तो ये बात का डर है कि कहीं मैच की जगह वॉर ना हो जाए और मैच में बैट की जगह स्टंप ना उछले, कहीं माँ बहुत जैसा झगड़ा हो गया तो। अरे तू फिकर मत कर टपुड़ा, ये तेरे भीष्म पितामह जैसे दादाजी है ना। अरे कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा। है ओके दादाजी। दादाजी आप इस बार अलग टाइप की अंपायरिंग करना। है मतलब? इस बार अंपायरिंग टेरेस पे करना, एकदम अलग। ये गोगिला, सब लोग मैच नीचे खेलने वाले, मैं क्या टेरेस पे से 4-6 दूंगा। है क्या गोगी? हाँ ना गोगी, क्या कुछ भी बोलता है। दादाजी अब जब व्हाइट बॉल देना तभी ऐसे स्विमिंग करके व्हाइट देना। व्हाइट बॉल, व्हाइट बॉल ऐसे। दादाजी नो बॉल ना, पंची उठते ना ऐसे देना। नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल, नो बॉल,
और दादाजी जब फोर हो ना तब हम ऐसे भरतना डैम करना फोर, 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 फोर। और जब सिक्स जी का आओ ना भाई टप्पू बच्चो ये सब मुझसे नहीं होगा है मैं सीधा साधा अंपायरिंग ही करूंगा वो गए जीपीएल में किया था ना वैसे कैसे दादाजी ऐसे सिक्स अरे हेमंत गेरा साहब आप पार्टी में इनवाइट करें और हम नहीं आए ऐसा संभव थोड़ी लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम है आज क्या यहाँ जीपीएल है अरे जीपीएल गोकुल धाम प्रीमियर लीग हाँ हमारी सोसाइटी में जो क्रिकेट मैच होता है वो बहुत पॉपुलर है अब तो और मैं और अंजलि दोनों हिस्सा ले रहे हैं इसलिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है और हाँ एक काम कीजिएगा कल तक चैनल पे मैच का लाइव टेलीकास्ट भी है तो आप टेलीविजन ऑन कर दीजिएगा ताकि पार्टी में सब लोग मैच का मजा उठा सके पक्का 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 नेक्स्ट टाइम या 100% थैंक यू मैं कम इन मेहता साहब अरे आइए आइए सुंदरलाल आइए आइए जीपीएल कमिश्नर सुंदरलाल नहीं नहीं साहब चेयरमैन क्या बात है सुंदर भाई मेरी टीम का प्लेयर हमारे घर पे आया है उठिए ना जरा आओ आओ सुंदर भाई आप बैठो भाई अच्छा हुआ सुंदरलाल कि इनकी टीम का आज एक ही प्लेयर घर में आया एक प्लेयर आया तो मुझे जगह छोड़नी पड़ी कहीं सारे प्लेयर आ गए तो घर छोड़ना पड़ जाएगा क्यों जी आप ही ने तो कहा था एवरीथिंग इज फेयर इन लव वॉर एंड क्रिकेट क्या बात है भाई सुंदरलाल हां जब से जीपीएल का अनाउंसमेंट हुआ है अंजलि जी हाउसवाइफ की जगह तेज नाइफ बन गई है खैर छोड़ो हमारे बाउंसर्स तो चलते रहेंगे आप बताइए कैसे तशरीफ लेके आए हैं आप मेहता साहब आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी है अरे ये सौभाग्य आज मुझे क्यों क्योंकि तकलीफ तो तुम सिर्फ जेठालाल को देते हो ऐसे मजाक कर रहा हूँ बोलो मेहता साहब आपके घर के बाहर ब्लास्टर बबीता के खिलाड़ियों के लिए एक स्टैंड बनाना है और चीयर लीडर्स के लिए एक बढ़िया स्टेज बनाना है अरे भाई ये तो तकलीफ क्या बड़ी खुशी की बात है हमारी टीम के लिए स्टैंड बन रहा है हा? तो मेहता साहब छोटी तकलीफ ये है कि थोड़ी देर के लिए आपको घर से बाहर जाना होगा हाँ चले जाएंगे क्या दिक्कत है मेहता साहब आप तकलीफ समझे नहीं घर से बाहर जाना वो तकलीफ नहीं है मेन तकलीफ ये है कि जब तक मैच खत्म नहीं होगा आप घर में वापस नहीं आ पाओगे क्या मतलब मतलब ये है कि एग्जिट आपके दरवाजे के बाहर मैं ब्लास्टर बबीता का बहुत बड़ा पोस्टर लगा रहा हूँ और आपका दरवाजा पैक हो जाएगा इसलिए आप लोग आ जा नहीं सकोगे तो निकले एक मिनट अभी तो हमने खाना भी नहीं खाया सुंदर भाई हाँ तो शांति से फटाफट आप खा लो 10 मिनट के बाद निकलते आज बेघर करोगे मैं तो साहब मैं आपको एक दूसरी तकलीफ देना चाहता हूँ भाई घर से बेघर तो कर रहे हो और क्या तकलीफ दे रहे हो और बोलो मैं तो साहब पिछली जीपीएल में तो मैंने कमेंट्री की थी पर क्या है कि इस जीपीएल में तो मैं खेल रहा हूँ बच्चे आप कमेंट्री दे सकते हो लेकिन आप भी इस बार खेल रहे हो तो कमेंट्रेटर का क्या करें अरे यार ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरा दोस्त है बहुत बढ़िया बोलता है दयाशंकर पांडे का बहुत अच्छा कमांड है बहुत बढ़िया कमेंट्री करेगा मैं उसे फोन कर दूंगा ये तो प्रॉब्लम है ही नहीं सॉल्व हो जाएगा क्या बात है वाह मेहता साहब वाह और बोलो और कोई तकलीफ देनी है बस बस मेहता साहब एक मिनट हाँ बोल बोल अब्दुल मैं मेहता साहब का घर में ही हूँ आ जाओ अभी तो कोई भी आ सकता है भाई थोड़ी देर बाद तो हम भी नहीं आ सकेंगे मेहता साहब नमस्कार आओ आओ अब्दुल आओ आइए आइए अब्दुल मियां अरे विश्वास भाई आ गए आप आइए आइए बैठे बैठे मेहता साहब जरा विश्वास भाई ये है बहुत बड़े लेखक मेहता साहब और ये है अंजलि भाभी नमस्ते 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 और मेहता साहब ये है विश्वास भाई हमारी जीपीएल का लाइटिंग और डेकोरेशन का सब काम यही कर रहे हैं क्या बात है वेरी नाइस बोलिए विश्वास भाई कैसे आना हुआ सुंदर भाई वो डेकोरेशन और लाइट का काम शुरू हो गया है और ये है उसका बिल अरे पर बिल तो मैच खत्म होने के बाद लाना चाहिए ना अरे सुंदर भाई आप भूल गए आप ही ने तो बोला था कि काम शुरू होते ही पेमेंट देंगे मैंने आपको भी ऐसा कहा था अरे अब्दुल भाई आप ही के सामने बोला था ना हाँ अब्दुल को क्या पूछना विश्वास भाई मुझे आप पे विश्वास है आप बोल रहे हैं तो मैंने बोला ही होगा क्या कि ये बहुत सारा टेंशन है ना तो दिमाग से निकल गई होगी बात है आपको आपके पैसे मिल जाएंगे कितने का है बिल
40,136 रुपए टैक्स के साथ है ना जी? मिल जाएगा, मिल जाएगा। अरे हाँ विश्वास भाई, अगर आउट ऑफ मुंबई कोई बहुत बड़ा फंक्शन हो और उसमें लाइटिंग डेकोरेशन करना हो तो कोई कर सके ऐसा आपके ध्यान में है? अरे मैं हूँ ना, आप कर पाओगे? अरे सुंदर भाई मौका दो ना, मैं करूँगा। तो समझो मौका मिल गया आपको। अरे अगले महीने ही अहमदाबाद में मेरे चार दोस्तों की शादी है। बहुत बड़ी पार्टी है, पैसों की कोई कमी नहीं है, स्काई इज द लिमिट, जितना मांगो उतना बजट मिलेगा, बस काम एकदम बढ़िया करना पड़ेगा। हाँ अरे सुंदर भाई काम बिल्कुल शानदार होगा, लोग देखते रह जाएंगे। अरे क्या बात है, बस तो आपका काम हो गया। अरे थैंक यू सुंदर भाई, अगर मेरा काम हुआ तो समझो आपका भी काम हो गया। मेरा काम? हाँ हाँ, अगर मुझे फायदा होगा तो हम भी आपको फायदा कराएंगे। ये लो ये बिल आप रखो, और जब आप अहमदाबाद आकर काम करोगे तो शांति से बैठ के हिसाब देख लेंगे। या 40,000 काट के जो भी मुझे लेने का होगा वो मैं ले लूंगा। बिल्कुल, थैंक यू सुंदर भाई, थैंक यू। ओके बाय बाय बाय। सुंदर लाल एक चीज बताओ, ये बेचारा विश्वास तो तुम्हारी बातों का विश्वास कर बैठा, लेकिन अब इसको ऑर्डर दिलाने के लिए शादी किसकी कराओगे अहमदाबाद में? उसके लिए भी चार लोग ढूंढने पड़ेंगे। तुम नहीं सुधरोगे सुंदर लाल। अरे सुंदर भाई आपका नाम सुंदर लाल नहीं, होशियार लाल होना चाहिए था। टप्पू के पापा आज आपकी मैच है, तो आपकी धर्म पत्नी होने के नाते मैं माता जी को प्रार्थना करती हूँ कि जीत आपके कदम चूमे और आप विजयी भव हो। थैंक यू। अब मुझे भी तो आशीर्वाद दीजिए। जरूर दया, आज तुम्हारा मैच है। हाँ। और मैं तुम्हारा पति होने के नाते तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जाओ विजयी भव हो। थैंक यू। विजयी भव। देख दया, हम दोनों ने अपना अपना फर्ज निभाया, लेकिन एक बात तो भली भांति समझ ले, आज जीत हमारी ही होगी। ये तो आपकी इच्छा हुई, और आपकी इच्छा तभी पूरी हो सकती है जब हम हार गए, और हारना हमारे खून में नहीं है, तो जीत हमारी होगी। हमारी जीत होगी, हमारी जीत होगी, हमारी ही जीत होगी, जीत हमारी होगी। देखते हैं अभी कुछ ही घंटों बाद मैच का मुकाबला शुरू हो जाएगा और हमें पता चल जाएगा कौन जीतेगा और कौन हारेगा। के लिए ऐसी अपील्स होने वाली है, पूरी गोकुलधाम सोसाइटी सच के तैयार है, दुल्हन की तरह हर घर में उमंग है, उत्साह है, जोश है, पिच के ऊपर उन धमाकों के लिए जिसके लिए सारा देश इंतजार कर रहा है। महाभारत के युद्ध में तो पता नहीं कितने सारे हथियारों का इस्तेमाल हुआ होगा, लेकिन GPL 2 के इस युद्ध में जो महाभारत से भी बड़ा होने वाला है, बम के गोलों की तरह बॉल का इस्तेमाल होगा और किसी मिसाइल की तरह बैट चलेंगे। और आप सोचिए जब GPL 2 के तमाम लोग जिनकी जिंदगी के अंदर हंगामे वैसे ही कम नहीं होते, उनके हाथ में जब बैट और बॉल होगा तब हंगामे कितने बढ़ जाते हैं। यहाँ पे
पति पत्नी के सामने होगा, बाप बेटे के सामने होगा। जब ये लोग आमने सामने क्रिकेट के इस महायुद्ध को लड़ेंगे तो सोचिए सारे देश के अंदर धमाके होंगे, ठहाके होंगे। और याद रखिए, सोमवार से आपके घरों में रात को 8:30 बजे कोई काम नहीं होने वाला, क्योंकि पूरा परिवार सिर्फ GPL 2 देखेगा। एक खास बात, सोमवार से जब GPL 2 शुरू होगा, हम आपके लिए खास प्रतियोगिता, एक खास कॉन्टेस्ट लेके आ रहे हैं। एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें देश का हर व्यक्ति हिस्सा लेना चाहेगा, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें देश का हर व्यक्ति जीतना चाहेगा, एक ऐसा कॉन्टेस्ट जिसमें भाग लेके आप कहेंगे कि भाई मजा आ गया। लेकिन कॉन्टेस्ट क्या है मैं इतनी आसानी से नहीं बताने वाला। सोमवार को जब आप पूरे परिवार के साथ टेलीविजन के सामने GPL 2 देखने के लिए तैयार होंगे, तभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या प्रतियोगिता है, आप उसमें कैसे हिस्सा ले सकते हैं और कैसे बहुत सारे इनाम जीत सकते हैं। भाई ठाके, मुस्कुराहट, चौके, छक्के, इनके साथ साथ बहुत सारे इनाम भी। तैयार हो जाइए इस सदी के क्रिकेट के सबसे बड़े महायुद्ध के लिए जिसका नाम है GPL 2। और आपको उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके घरों में हम लेके आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा इज कमिंग विद GPL 2। हाउ'स दैट? फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।